केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर एक और कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को रडार और टैंक इंजन समेत 108 हथियारों के आयात पर लगाया प्रतिबंध। पिछले साल भी इस तरह की नेगेटिव लिस्ट में 101 चीजों को शामिल किया गया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई की सड़कों पर भारी ट्रैफिक को लेकर सोमवार को चिंता जाहिर करते हुए कहा, अगर ये स्थिति ऐसी ही बनी रही तो राज्य में फिर से हार्ड लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। सीएम ठाकरे ने कहा, मैंने कल रात जो भाषण किया था आज उसकी जांच की। आज मुंबई में भारी वाहनों की आवाजाही देखकर मैं स्तब्ध रह गया। मैं सोच रहा था कि क्या कल रात प्रतिबंध हटाए जाने के बारे में कुछ कहा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा। अगर ये यातायात जारी रहा तो कड़े प्रतिबंध लगाने होंगे। यूपी में सियासी हलचल के बीच भाजपा का ऑपरेशन उत्तर प्रदेश शुरू हुआ। पिछले 15 दिन से यूपी सरकार से लेकर संगठन में फेरबदल की चर्चाओं के बीच भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह सोमवार को लखनऊ पहुंचे। संभावना है यूपी में भाजपा के संगठन और सरकार में बड़े बदलाव हो सकते हैं। ये भी तय होगा कि यूपी भाजपा 2022 का चुनाव किन चेहरों के नेतृत्व में लड़ेगी। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से कम हो रही। बीते दिन देश में 126,649 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। इस दौरान 254,889 लोगों ने संक्रमण को मात दी। नए संक्रमितों का आंकड़ा बीते 55 दिनों में सबसे कम। इससे पहले 7 अप्रैल को 126,276 लोगों में कोरोना की पुष्टि। दुनिया भर में कोरोना की रफ्तार थमने लगी। बीते दिन दुनिया में करीब 3 महीने बाद नए संक्रमितों का आंकड़ा 4 लाख से नीचे। रविवार को दुनिया भर में 398,811 लोगों में वायरस की पुष्टि। इससे पहले 9 मार्च को दुनिया में 393,000 लोगों की कोरोना चपेट में आई थी रिपोर्ट पॉजिटिव। बीते दिन 8,319 लोगों की कोरोना की वजह से मौत। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का सोमवार को निधन। 11 मई को कोरोना संक्रमित पाए गए। 12 मई को उन्हें भोपाल के चिरायू अस्पताल में किया भर्ती। अस्पताल में उन्हें 2 बार आया हार्ट अटैक। सोमवार दोपहर उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी। उन्हें एयर एम्बुलेंस से चेन्नई ले जाने की तैयारी थी। शर्मा का नाम व्यापम घोटाले में आया था सामने। मध्य प्रदेश में मंगलवार से कोरोना कर्फ्यू में राहत मिलने जा रही। कर्फ्यू में ढील देने से पहले सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कोरोना से अब भी लड़ाई लड़ते रहना है, इसलिए कोरोना कर्फ्यू अभी समाप्त नहीं हुआ। कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक रहेगा जारी, लेकिन कोरोना कर्फ्यू में हम छूट दे रहे, सुरक्षा भी और समृद्धि भी। हमने अपनी सुरक्षा भी करनी है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों का आरंभ करना है ताकि व्यापार चले। बता दें, अब भी पूरे प्रदेश में शनिवार रात 10 से सोमवार सुबह 6 तक जनता कर्फ्यू रहेगा। रोज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा। गूगल फोटोज पर मिलने वाला फ्री अनलिमिटेड स्टोरेज आज से खत्म हो जाएगा। आसान शब्दों में कहा जाए तो अब आपको इसके लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी। कंपनी ने बीते साल दिसंबर में अपना ब्लॉग पर कहा था कि 1 जून 2021 से पहले यूजर्स अपनी हाई क्वालिटी और एक्सप्रेस क्वालिटी फोटोज और वीडियोस का बैकअप ले लें। इसके बाद उन्हें इसके लिए पेड प्लान लेना होगा, यानी 1 जून से यूजर्स ऐसी क्वालिटी वाले फोटो और वीडियो को गूगल फोटोज पर अपलोड या डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि से आमजनों की जेब पर भार बढ़ रहा। इस बीच जून माह के पहले दिन भारतीय तेल विपणन कंपनियों IOC, HPCL और BPCL ने ईंधन के दाम बढ़ाए। आज यानी 1 जून मंगलवार पेट्रोल की कीमत जहां 25 से 26 पैसे प्रति लीटर बढ़ी, वहीं डीजल भी 23 से 24 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। इस हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। आज सेंसेक्स 130.07 अंक की बढ़त के साथ 52,000 के स्तर से ऊपर खुला। निफ्टी 46.85 पॉइंट पर ऊपर खुला। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर में 20% का उछाल। सोमवार को भी कंपनी के शेयर में 20% का उछाल देखने को मिला था।